हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता आज पंचकुला के पारस अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें कि मरीजों द्वारा अस्पताल की ओर से अधिक पैसे वसूली की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके चलते शिकायत के आधार पर जांच करवाने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कोई भी निजी अस्पताल अवैध वसूली करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पंचकुला के डीसी, डीसीपी, सीएमओ भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने कोविड संक्रमित मरीजों से मुलाकात की, साथ ही यह भी जाना कि उन्हें कौन कौन सी समस्या है। उनके पास शिकायत आई थी कि अस्पताल में मरीजों से ओवरचार्ज किया जा रहा है, जिसकी जांच की जाएगी। यदि बात सच पाई गई तो अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज देखिए, ये अपने प्राइवेट हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल के अंदर कुछ यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनसे उनकी जानकारी लेने के लिए, पेशेंट्स को कोई यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ एक दो शिकायत आई थी उसको जानने के लिए यहाँ आए थे। ओवरऑल यहाँ लगता है कि ठीक है, लेकिन कुछ एक दो कंप्लेंट्स हैं जिसको वेरीफाई बाद में करेंगे, और कुछ ओवरचार्जिंग को लेकर के और थोड़ा सा यहाँ पर जो जिस प्रकार से व्यवस्था हेल्पलाइन नंबर वगैरह जो है उसकी ठीक प्रकार से सेटिस्फैक्ट्री प्रोविजन नहीं है, तो वो आगे डॉक्टर साहब ने कहा कि आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कोष से मरीजों के उपचार के लिए 50 लाख रुपए की राशि दी। उन्होंने कहा कि मरीजों के उपचार व दवाइयों पर कमी नहीं होनी चाहिए, इससे मरीज की जान नहीं जानी चाहिए। यदि आगे भी आवश्यकता होती है तो वह और धनराशि देंगे।